समस्या ये नहीं है कि आप एक किचन बनाने में कितना खर्चा करने वाले हैं, 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। समस्या ये भी नहीं है कि आप किस डिज़ाइन में किचन बनवाने वाले हैं, यू शेप भी हो सकता है, एल शेप भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। समस्या तो तब होती है जब आप एक किचन को सही तरीके से, सही प्लानिंग से नहीं बनवाते हैं। तो हम आज किचन के उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको बनवाने से पहले जान लेने चाहिए, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और ना ही आपका पैसा वेस्ट हो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं हम किचन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो दोस्तों, ये एक मॉड्यूलर किचन बनवाया है हमने। हमने किस तरीके से ये किचन बनाया है वो आपको एक 1x1 स्टेप में आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों, जिस एरिया में भी, जिस जगह पे भी आप एक प्लेटफॉर्म बनवाना चाह रहे हैं, उस एरिया में सबसे पहला रूल तो है कि आप ये जो फ्लोर लगा देते हैं उसके 2 से 3 इंच तक आपको इसको ऊपर रखना है, ताकि ड्रॉवर जो लगाते हैं अपन उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और वो पानी से भीगने का डर ना रहे। तो ये 2 इंच से 3 इंच तक आप ऊपर रखवा सकते हैं। और इसका जो डेप्थ है, इसका गहराई आप रखवाते हैं तो उसके टॉप के हिसाब से रखवाओ कि कितना रखवा रहे हो टॉप। अगर आप टॉप ये वाला 27 इंच ऊपर से रखवा रहे हो तो इसको 3 इंच अंदर कर दो। ये 27 है तो ये वाला 24 इंच भाग अंदर रख दो, ताकि ये जो ड्रॉवर ओपन करते हैं या ऊपर से पानी गिरता है तो ये सीधा नीचे गिर जाए, ड्रॉवर पे, गेट पे ना गिरे। तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो ये आ जाता है स्टैंड। इसका जो खड़ा स्टैंड है, पार्टीशन, वो तो इसका अगर हम मोटाई रखेंगे तो 1 से लेके 2 इंच तक आप रखवा सकते हो। आपके एरिया में अगर 1 इंच से मोटा पत्थर आपको मिल जाता है तो आप ये खड़ा करवा सकते हो, नहीं तो मार्बल का जो मोटाई आता है 1/2 इंच का ही आता है, तो 2 पत्थर चिपका के आप इसको खड़ा कर सकते हो। इसमें क्या फ्रेमिंग आएगा तो फ्रेम के हिसाब से 1.5 इंच तो चाहिए चाहिए, नहीं तो स्क्रू डालने में प्रॉब्लम आती है। तो आपको इसको 1 इंच से 1.5 इंच 2 इंच तक रखवा कर सकते हो, ताकि इसका जो लोड भी रहे तो ये हल्का ना रहे, ताकि टूटने का कोई डर ना रहे। पानी आने का रहता है वो सिर्फ ओटली में रख देना है, ताकि आप सेम ये स्टैंड खड़ा करोगे तो इसका पूरा पानी जो है सिंक की तरफ ही आ जाएगा। तो टॉप में आपको स्लोप नहीं रखना है, इसी ओटली में जो नीचे बनाया है हमने फर्श से ऊपर, इसी में स्लोप रख देना है पानी का, ताकि ऊपर वाला जो भाग रहे उसका पानी पूरा सिंक की तरफ आ जाए। अगर आप पहले स्टैंड खड़ा करते हैं इसके ऊपर, तो आपको क्या करना है, इससे 1.5 इंच अंदर रख देना है, 1.5 से 2 इंच आप अंदर रख सकते हो। तो यहाँ पे जो फ्रेम आएगा ना वो पूरा कवर हो जाएगा, एकदम पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। तो आपको इसको, ये वाली जो 24 इंच की बना रहे हैं वो, इसको लगाने के बाद ग्रेनाइट का जो पट्टी लगा देते हैं वो 25 के आसपास हो जाता है। तो आपको 1.5 इंच इसको अंदर रखना है, ताकि यहाँ पे फ्रेम आ जाए। और आपको स्टैंड जब खड़ा करवाना हो तो पहले आपको तय करना है कि आप कौन सा बास्केट आप डलवाना चाहते हो। इनका साइज जो होता है वो बास्केट के हिसाब से खड़ा किया जाता है। जैसे समझ लो बास्केट आता है 12 से लेकर 24 इंच तक, तो हमने इसको खड़ा किया है 21 इंच पे, तो हमारा जो बास्केट होगा वो 20 इंच का हो जाएगा। अगर आपके पास एरिया बड़ा है तो आप 1 या 2 3 कितना भी बास्केट के लिए, ड्रॉवर के लिए आप रख सकते हो। इसके बाद आता है सिलेंडर के लिए, एक रखना ज़रूरी हो जाता है। तो सिलेंडर के लिए आप कोने वाला भी रख सकते हैं, साइड वाला भी रख सकते हैं। तो एक सिलेंडर के लिए रखिए, एक बड़े डब्बे के लिए रखिए, एक बीच में आप पार्टीशन कर देंगे तो छोटे डब्बे पड़े रहेंगे, और दूसरा हो जाता है अपना ड्रॉवर का। अगर बड़ी जगह है तो आप 2 ड्रॉवर भी करवा सकते हैं, 3 बास्केट वाला जो भी करवा सकते हैं, इस जगह के हिसाब से करवा सकते हैं। और एक, अगर आपके पास बहुत बड़ी जगह है तो आप एक बोतल के लिए 7 इंच का खाना भी बनवा सकते हैं, ताकि उसमें बोतल आ सके। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो ये आ जाता है पट्टी। तो आपको ये कितना पट्टी रखना है वो आप पे डिसाइड करता है। जैसे आप डबल मोल्डिंग वाला सैंडविच में पट्टी लगवा रहे हैं तो उसके हिसाब से आप 3 इंच इसको ऊपर रखवा सकते हैं। अगर सामने से आप खड़ा पट्टी लगवा रहे हैं तो 3.5 जैसा आप रख सकते हैं, 3 से 3.5 तक आप इसका मोटाई रख सकते हैं। ज़्यादा मोटा रखोगे तो देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए आप 3 इंच नॉर्मल रखिए, बहुत अच्छा लगेगा। सैंडविच रखवा रहे हैं तो सैंडविच में ऊपर ऐसे पट्टी रख के इसको सैंडविच के हिसाब से कटिंग करें, ताकि ये जो मोटाई है ये इस पट्टी में कम हो जाए। अगर सिंगल पट्टी डालोगे तो ये बड़ा डालना पड़ेगा। कुल मिला के आपको ये वाला जो हिस्सा है ना 3 से 3.5 तक ही रखना है। अब करें तो टॉप लेवल जो होता है फ्लोरिंग से 30 से लेके 33 तक आप हाइट रखवा सकते हैं। जैसे नॉर्मल 30 तक होता है, लेकिन 32 33 उसके हिसाब से अपन रखवा सकते हैं। अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है तो आप
जो घर में खाना पकाने वाले हैं उसके हाइट के हिसाब से आप इसका पूरा टॉप रख सकते हैं कि आपको कितना रखना है। अगर आप ऐसे में पता नहीं कर सकते कि किस हिसाब से जो खाना पकाने वाले हैं उसकी हाइट के हिसाब से किस हिसाब से रखें, तो आप जो खाना पकाते हैं ना उसका ये जो लेवल है इस लेवल से 6 इंच ये हाइट है ना 6 इंच ऊपर नीचे रख दें इसको। प्लेटफॉर्म का मेन टॉप है वो इसको कोने से 6 इंच नीचे रख देंगे तो वो परफेक्ट काम में आएगा, आगे जाके आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, तो उसी के हिसाब से रखें। नहीं तो नॉर्मल आप रखना चाहो तो 30 से 32 तक 33 तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा रखोगे तो आगे चल के प्रॉब्लम आएगी आपको। बात करें इसके टॉप लेवल की, तो टॉप लेवल को आपको ऐसा कितना साइज रखना है वो मैं आपको बता दूँ। अगर हम नॉर्मली देखा जाए तो इसका 27 से 28 इंच नॉर्मली साइज रखते हैं, अगर एल शेप में अपन बनवाते हैं तो इसको 21 भी रखवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। जगह के हिसाब से अगर जगह बड़ा है तो आप पूरा 27 इंच का टॉप रख सकते हैं, और अगर जगह कम है तो आप इसको साइड में 21 का बनवा सकते हैं। आप टॉप जब बनाओ तो आप 27 का बना रहे हो तो नीचे का जो ये भाग है ना, ये वाला भाग, ये 3 इंच अंदर ही रखना, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, इससे ये 3 इंच अंदर रखना ताकि फ्रेमिंग का आ जाए और ऊपर से पानी गिरे तो ये सीधा वो ड्रॉवर पे ना जाए, तो आपको इसको पूरा 27 इंच रखना है। दूसरी बात, ये वाला जो पट्टी है इसको आपको टॉप से आधा इंच या 2 सूत जितना आप ऊपर रखवा सको डिज़ाइन के हिसाब से, तो इसको हमेशा ऊपर रखना ताकि यहाँ जो पानी धोने का हो डायरेक्ट नीचे ना गिरे, तो ये सीधा सिंक की तरफ चला जाए, तो आपको इसको हमेशा ध्यान रखना है, इसको ऊपर ही रख के चलना है। इसका स्लोप की बात करें तो स्लोप में जैसे मैंने बताया कि नीचे वाले भाग में आपको स्लोप डालना है, इसमें आप स्लोप डालोगे तो ये वाला जो पट्टी है सामने वाला, जैसा अपन यहाँ से वहाँ तक पूरा स्लोप रखेंगे तो आधा इंच का जैसा स्लोप रखेंगे तो वो स्लोप का जो पट्टी का ये क्रॉस है ना वो आपका ये डिज़ाइन ख़राब कर देगा, मतलब स्लोप डालेंगे तो 2 इंच का पट्टी है तो वहाँ कम हो जाएगा, इसलिए आप स्लोप रखो तो नीचे वाले भाग में स्लोप रखो और फिर ये सेम साइज़ के खड़ा कर दोगे तो ये ऊपर वाले भाग में आपका पूरा स्लोप आ जाएगा तो पानी पूरा सिंक की तरफ आ जाएगा। तो ध्यान रखें नीचे वाले में स्लोप रखें ऊपर वाले में नहीं। और हाइट मैंने जैसे बताया कि 32 इंच तक आप नॉर्मली रखवा सकते हैं या जो खाना पका रहे हैं उसके हिसाब से आप रखवा सकते हैं इसका हाइट। दूसरी बात करें इसकी वर्टिकल की, तो वर्टिकल को आप नॉर्मली 9 इंच से लेके 12-13 इंच तक ऊपर रखवा सकते हैं, कम रखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, इसलिए आप इसको 9 इंच से 12 इंच तक रख सकते हैं। और इसका ये जो भाग है आप यूज कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, मटके के लिए आप यहाँ पे एक ग्रेनाइट का या कोई भी पत्थर डाल के यहाँ पे मटके का स्टैंड बना सकते हैं, ये भाग भी आपको काम आ जाएगा अगर आपको ज़रूरत है तो, नहीं तो ऐसा सीधा ही साधारण डिज़ाइन अच्छा लगता है। दूसरी बात करें तो वहाँ पे भी आप एक सेलब डाल सकते हो ताकि ऊपर गिलास वगैरह सब पड़ा रहे, जैसा कि हमने ये वाला भाग, ये वाला सेलब बनाया है इसके लिए तो हम वहाँ पे डालने वाले हैं। अगर बात करें हम इसके सिंक की, तो सिंक को हमेशा पत्थर के नीचे ही रखना चाहिए। कई लोग मैंने देखा है कि सिंक को पूरा चौरस काट के ऊपर रख देते हैं, उससे प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो साइड से धार होती है उसमें पानी लीकेज होने का डर रहता है, अंदर ये ऊपर पानी भर जाता है सिंक पे तो पानी अंदर जाने लग जाता है, तो सिंक को हमेशा नीचे वाले भाग में रखिए, तो क्योंकि यहाँ पे पानी अगर गिरेगा तो ये वाला पानी गिरते ही नीचे सिंक में जाएगा, सीधा पत्थर के अंदर नहीं जाएगा, तो सिंक को हमेशा नीचे रखिए, इस हिसाब से रखना चाहिए तो इस हिसाब से, वरना अगर आप चौरस मोल्डिंग में रखना चाहें तो मोल्डिंग में, लेकिन सिंक को पत्थर से नीचे ही रखिए ऊपर मत रखिए, उससे प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, सिंक को आप पूरा यहाँ से जैसे मैंने पैक कर किया है इधर, तो इसको पूरा पैक कर दोगे तो सिंक एकदम सेफ रहेगा, ताकि यहाँ से ऊपर कोई भी बर्तन गिरे तो बजने का डर ना रहे और कंपन भी ना हो। अगर आप खुला रखोगे तो पूरा बर्तन गिरने से कंपन होके जगह छोड़ देगा सिंक, इसलिए पूरा ये पैक हो गया है, सिंक एकदम हो गया है, इसकी लाइफ भी डबल हो गई है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया किचन का एक परफेक्ट प्लान। इसके अलावा भी हमें वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी किचन बनवाना चाहिए, उसको भी बहुत ध्यान में रखना चाहिए, तो उसके बारे में भी तो आपको बता दूं कि जब भी आप किचन बनवाए घर की मतलब पूर्व दक्षिण की दिशा है उसमें बनाना चाहिए, जिसको अग्निकोण भी कहते हैं हम। उसके अलावा अगर आप दक्षिण पूर्व में आप नहीं बनवा सकते तो आप उत्तर पश्चिम में भी बनवा सकते हैं, जिसको वायव्य कोण कहते हैं। तो ये थी दिशा की बात। अब बात करें अगर सिंक की, तो सिंक को हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए, यानी कि जो लोग सिंक को यूज कर रहे हैं बर्तन वगैरह धो रहे हैं तो उनका मुंह उत्तर की दिशा में होना चाहिए, ये बहुत शुभ होता है। और जब
खाना बनाने वाले का मुंह पूर्व की तरफ होना चाहिए, ये बहुत ही शुभ होता है। अगर खाना बनाने वाले का मुंह उत्तर या दक्षिण की तरफ होता है तो अशुभ माना जाता है। तो जब भी आप प्लेटफॉर्म या किचन तैयार करवाएं तो ऐसी छोटी छोटी जानकारियों का भी आप ध्यान रख के उसके हिसाब से ही किचन बनवाएं। ऐसी गलती ना करेंगे तो आपको शायद परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, अगर आप भी ये सेम डिजाइन का किचन बनवाने वाले हो तो मैं बता दूं कि ये 8x8.5 फुट का बनाया है हमने, जो एल शेप में है। तो आप अगर 8x8.5 फुट के किचन बना रहे हैं और उसमें एल शेप बना रहे हैं तो इस टाइप से बना सकते हैं, जिसमें हमने साइड में एक फ्रिज का जगह भी रखा है 30 इंच का, जिसमें आसानी से एक फ्रिज आ जाएगा। अगर डबल डोर वाला आपको लगाना है तो आप 36 इंच का 3 फुट तक आप जगह छोड़ देना, ताकि डबल डोर वाला फ्रिज एक साइड में आ जाए और बाकी प्लेटफॉर्म आ जाए। तो जिस हिसाब से मैंने बताया तो आप एल शेप में 27 इंच का या 28 इंच का रख सकते हैं। अगर कम रखना हो तो आप इसको 21 इंच तक रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप अगर 21 इंच का ये ऊपर का टॉप बनवा रहे हैं तो उससे 3 इंच का भाग ये अंदर रख देना। अगर 21 का ये बन रहा है तो आप इसको 18 इंच का ही बनाना, उससे आगे नहीं बनाना। तो इस हिसाब से आप बनवा सकते हैं जैसे हमने बनवाया सेम। अब स्टोरेज की अगर बात करें तो स्टोरेज में ड्रॉवर हमारे नीचे आ गया, जो भी साफ सफाई का डब्बा रहेगा वो इसके अंदर आ जाएगा। दूसरा ड्रॉवर का आ गया, तीसरा एक सिलेंडर का आ गया, एक बड़े डब्बे का आ गया, और चौथा जो डबल भाग करने के छोटे डब्बे होते हैं वो डबल एक पत्थर इसमें बीच में डाल देंगे तो डब्बे के लिए काम आ जाएगा। और अगर आपको और भी ज़्यादा स्पेस या स्टोरेज के लिए जगह बनानी है तो आप ऊपर फर्नीचर का या पत्थर का पूरा भी कबाट बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मेरा वीडियो या मेरी जानकारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।